नमस्कार दर्शकों, मैं प्रीति सिंगल, के एन मीडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के फैसले को लेकर गांव मोहिहुड्डा में पंचायत लामबंद हुई, जिसमें 26 बिरादरी के लोगों ने इकट्ठा होकर सर्वसम्मति से फैसला लिया कि संघर्ष समिति द्वारा कैप्टन अभिमन्यु का विरोध करना पूरी तरह से गलत है। अकेडमी समाज में बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल करने के लिए बनाई गई है। गांव के सरपंच जगदीश भारद्वाज ने बताया कि कैप्टन अभिमन्यु के परिवार का समाज में बहुत बड़ा योगदान है, ऐसे में उनका विरोध करना पूरी तरह से गलत होगा। जगदीश भारद्वाज, सरपंच मोहिहुड्डा, गांव मोहिहुड्डा से 36 बिरादरी से तमाम मौजूद आदमी साथ में हैं और गांव के ही नवीन रेडू जो गांव का बासिंदा है, उसने खंदराई मोड़ पर एक खेल एकेडमी खोली है, जिसका मुहूर्त 30 सितंबर को करने जा रहा है और उसके मुख्य अतिथि वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को बुला दिया गया है और आएंगे। तो मीडिया के माध्यम से गांव वालों को हमारे को ये जानकारी हुई कि जो जाट संघर्ष समिति है, उसने काले झंडे दिखाने का ऐलान किया है। हम इसी संदर्भ में 36 बिरादरी के हरेक कौम का मौजूद आदमी गुवाणा माग है, ये चाहते थे उस संघर्ष समिति से टाइम लेकर बात करी जा और आपस में समाज बंटवारे का काम ना हो है। समाज हित में बढ़िया काम कर रहा है लड़का और सरकार के साथ चल के काम कराया जा सके है। कोई टकराव की स्थिति में हम नहीं, हम तो हाथ जोड़ के यह गुजारिश करें हैं संघर्ष समिति से, अगली इस आयोजन को सफल होने दें। ये एक निजी प्रोग्राम है, कोई सार्वजनिक काम नहीं है। कोई सार्वजनिक को काले झंडे दिखाओ, पत्थर फेंको, उनकी अपनी निजी काम है। लेकिन ये निजी काम होने की वजह से पूरा गांव राम ये अपील करे हाथ जोड़कर ने संघर्ष समिति से, अगर ये टकराव की स्थिति ना होने दें, समाज का बंटवारा ना होने दें। बाकी कमेटी प्रधान आजाद लठवाड़ के पास फोन करेगा, खुद मन फोन करा था, बीजी होने की वजह बोले मीटिंग में है। उनको ये कहने के बाद एक मोहिहुड्डा से सरपंच बोल रहे हैं, फोन काट दिया गया। दोबारा फोन मिलाया गया, बोला मैं तो सोनीपत मीटिंग में जा लिया हूँ। कहा गया कि जी प्रधान जी एक 10 मिनट बात करने का भी टाइम नहीं। बोला जी बिल्कुल हमारे पास 10 मिनट का भी टाइम नहीं है, एक तरफ ही अपनी बैठ कर बात का समाधान भी कर सके हैं। आए यूं ही थे, पूरा गांव उठ कर है, अगर आपस में कोई टकराव की स्थिति ना हो कोई, और ये अपील है किसी चीज़ की उड़दंगबाजी हम अपनी तरफ से नहीं चाहते हैं, और ये चाहूँ ये हमारा अपना निजी प्रोग्राम है, हम हर एक तरिया दें, हर एक तरिया दिया है गुजारिश करें हैं, और किसी चीज़ की समाज के बंटवारे की या कोई गड़बड़ ना हो है। हाँ, सहयोग में खड़े और पूरा गांव राम इस आयोजन के पक्ष में है। कति 36 बिरादरी तो औरत मर्द सारे और उसमें हम तो मिलना चाहते, आज सारा गांव आया हुआ 9 बजे से बैठे हुए हैं, नहीं मिल रहे। प्रोग्राम पक्का हो चुका है, हर प्रोग्राम ये आयोजन करना पड़ेगा, अब तो पीछे हटने का तो काम है नहीं। गांव राम फुल सहयोग करेगा, औरत मर्द सब हर एक तरिया है, बिल्कुल प्रोग्राम फाइनल है। और यह गुजारिश है टकराव की स्थिति ना हो तो और बेहतर रहेगा, समाज हित में भी है, समाज का बंटवारा ना हो है। K9 मीडिया अब आपके लिए लेके आया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद फुली वायरलेस सिस्टम, जिसके द्वारा आप अपने किसी भी प्रोग्राम को लाइव कर सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक रैली, जलसा, जागरण और स्पोर्ट्स इवेंट।